उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर श्री बसरत चंडक जी, स्कूल एजुकेशन की डायरेक्टर जनरल कंचन जी, हमारे मऊ जनपद के जिलाधिकारी श्री प्रवीण जी, श्री नाडर फाउंडेशन के श्री रॉबिन जी, हमारे अन्य यहाँ पे जितने सारे अधिकारी गण जो यहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन डायरेक्टली यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं या ऑनलाइन मौजूद हैं या वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री अमरनाथ मिश्रा जी जो वहीं पे मौजूद हैं सामने नजर आ रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल श्री विजय शुक्ला जी, वहाँ के जितने सारे टीचर्स और भी हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी DIOs वगैरह जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं विद्यालय को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आज जो हमारा नया संवत्सर चालू हुआ है विक्रम संवत 2081, उसका नया दिन है। उस नए दिन पर हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, यश के लिए, आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए। तो आज हमारे विद्यालय को, गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज को, जो एक कंप्यूटर लैब प्राप्त हुआ, स्मार्ट क्लास मिला है, ये आपके लिए बहुत बड़ी शुभकामना है। तो मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन हमारा वसंतिक नवरात्र भी शुभारंभ हो रहा है और वसंत का ये हमारा नवरात्र जो है जगजननी माँ दुर्गा जो शक्ति की शक्ति स्वरूपा है, उस शक्ति की आराधना अगले 9 दिन के लिए पूरे देश भर में तमाम सारे लोग करते हैं। ये हमारे सनातन की संस्कृति है और उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए आज हमारा विद्यालय समूह, विद्यालय परिवार यहाँ पे जुड़ा है कि जो नई टेक्नोलॉजी को हासिल करके कैसे हम बच्चों को शक्तिवान बनाएंगे, कैसे उन्हें एक नए भारत के लिए, कैसे उन्हें विकसित भारत के लिए तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैं दोबारा माँ का प्रार्थना करते हुए आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम को करने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान हमें दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चंडक साहब, विक्रम साहब या वहां पे अजीत जी या और तमाम सारे टीम, क्योंकि कुछ थोड़े लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं और इन्होंने जो CSR के माध्यम से जो वहां पे सुविधा दी उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपको जो कुछ भी मिला है वो इनकी सहयोग से प्राप्त हुआ है। और इनको सहयोग दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है हमारे शिव श्री यादव जी ने, जो महानिदेशक है, वो आपके स्कूल आ भी चुके, आपके कॉलेज है, जब आप अगले बार आएंगे तो आपको शिव सिंह जी को आप पहचान जाएंगे, आपके कॉलेज भी जा चुके हैं, मेरे गांव भी जा चुके हैं, वहां पर आपने, मैंने एक छोटा सा निवेदन किया कि हमारे स्कूल के बच्चे जहां मैं वर्ष 71-72 में कक्षा 6 का छात्र था, अपने गांव से प्राइमरी स्कूल पढ़ करके, मेरे गांव से कुछ 1 किलोमीटर पे स्कूल पड़ता है, वहां मैं कक्षा 6 में पढ़ाई की और 72 में मैं फिर बलिया चला गया, अपने पिताजी के साथ में बलिया चला गया और 73 में वहीं से मैं रांची निकल गया। तो उस स्कूल से जो मेरा एक संबंध है, मैंने निवेदन किया कि हम लोग कैसे वहां पे जो स्मार्ट एजुकेशन, आज पूरे देश में स्मार्ट एजुकेशन की बात हो रही है, तो कैसे हम गांव के बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन दे सकते हैं, इसके लिए शिव सिंह यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ मैंने शिव नाडर फाउंडेशन को जोड़ा, जो शिव नाडर फाउंडेशन पूरे हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षा जगत में काफी सारी मदद कर रहे हैं और उन्होंने सहर्ष इसके साथ जुड़ करके इन्हें सुविधा दी। और जो आज आप ये 12 पोस्टर्स आप देख रहे हो, ये पोस्टर्स बनाने के लिए उनके साथ मैंने भी कुछ काम किया,
क्योंकि पहले तो मैंने उन्हें आइडिया दी कि मैं चाहता हूं बच्चों को, जैसे कि आजकल बड़ा कॉमनली ड्रॉप होता है बिग डाटा, कंप्यूटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे शब्दों का प्रयोग बड़े आम रूप में करते हैं और बच्चों को समझ भी नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। तो एक मुहावरा है जिसको कहते हैं कि एक पिक्चर जो है, एक तस्वीर जो है, हजार शब्द के बराबर होती है। तो मैंने ये शिव नाडर फाउंडेशन को, मैक सिन्हा जी को, रॉबिन सरकार जी को अभी हाल में किसी कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई और वहां मैंने इनको टास्क दिया कि मैं चाहता हूं कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और जब वो पिक्चर के माध्यम देखेंगे बच्चों को ये पिक्चर बिल्कुल स्पष्ट हो जाए तो फिर वो दिमाग में बैठ जाएगी बात, फिर वो कहीं भी किसी भी फोरम पे बात होगी उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने सबसे पहला जो बेस है कंप्यूटर, अगर आपसे मैं कहूंगा, बच्चों से मैं कहूंगा कंप्यूटर का जाकर के आप पोस्टर देखोगे आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर होता क्या है, कैसे काम करता है। आप उसके बारे में लंबा चौड़ा आपको कहानी पढ़ने के उतने से ही आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा दूसरे नंबर पे कंप्यूटर के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा कॉमनली यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है उसके बारे में उस पिक्चर को आप देखोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तीसरा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं कि जैसे हमारे अंदर इंटेलिजेंस है तो हमारी लर्निंग भी होती है। हम ऐसा नहीं कि जहां पर जिस जो इंटेलिजेंस हम बच्चे हुए तो उसके बाद हम वहीं पर रुक जाते हैं, बल्कि हम कंटिन्यूअस लर्न करते रहते, कंटिन्यूअस हम अपनी क्षमता को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मशीन लर्निंग करके और बेहतर हम करते चले जाएंगे, हमारी और फोकस बढ़ता चला जाएगा। तो उसके बारे में मशीन लर्निंग क्या होती है उसके बारे में पोस्टर तैयार किया गया। चौथा पोस्टर जो तैयार किया गया बिग डाटा। बिग डाटा बड़ा कॉमनली वर्ड यूज होता है और बिग डाटा का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो है गाड़ियां ऑटोनोमस गाड़ियां हैं और मुझे गाड़ी ऐसी गाड़ी में स्वीडन में चढ़ने का मौका मिला कि जिसमें गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज हमारे देश में ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है, ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है और उसको पलाने का भी सौभाग्य मुझे मिला। जो दिल्ली में पहला जो ड्राइवरलेस मेट्रो, आज दुनिया का सबसे ज्यादा ड्राइवरलेस मेट्रो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में चलती है। तो ये हमारा बिग डाटा का कॉन्सेप्ट है। फिर पांचवा कॉन्सेप्ट जो है डाटा साइंस। ओके, जो आपने सुना होगा कि जो आज डाटा जो है सोने से भी ज्यादा महंगा हो रहा है, या कहते हैं पेट्रोल जो है पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा। डाटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जिसके पास डाटा है वो उस चीज को नियंत्रण करेगा हर चीज के बारे में। तो डाटा साइंस क्या है इसके बारे में। छठा चीज इंटरनेट सिक्योरिटी, बिकॉज इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट इंटरनेट सिक्योर है कि नहीं सिक्योर है, कैसे करेंगे उसके बारे में आप सुनते होंगे। आप देखते होंगे सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे इंटरनेट, क्या वहां पर चौकीदार बैठाएंगे या क्या करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर हो तो उसके बारे में आएंगे। सातवां साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट तो अकेला नहीं है बल्कि पूरा साइबर स्पेस, जैसे हमारा एक वर्क स्पेस है जहां आप बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हूं, ऐसा एक साइबर स्पेस बन गया पूरा का पूरा, जो कंप्लीट एक ऐसा स्पेस जिसमें वर्चुअली सारा का सारा काम हो रहा है, उस साइबर स्पेस को कैसे सिक्योर करेंगे इसके बारे में साइबर स्पेस सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवीं चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नया चीज आया है जिसको लेकर के कैसे आज की डेट में बहुत सारी चीजें पूरा का पूरा ई कॉमर्स पूरा का पूरे हमारी जो आज हमारे प्रदेश में भी बहुत कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके अब हम जो ब, ब, जो स्टैंप ड्यूटी की जो बात होती है बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है। नवी चीज एआर वीआर, मैंने ये हमारी वर्चुअल रियलिटी जो कि जो दुनिया रियल दुनिया है उस दुनिया को कैसे हम वर्चुअल रियलिटी में जाकर के महसूस करें वो क्या चीज है इसके बारे में। दसवीं चीज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि जैसे हम आप हैं ऐसे सब सामान जो जो सामान जैसे कि हमारा जो कोई भी चीज कोई लाइट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे एक इंटरेक्ट करेगा, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो अपने आप कैसे इंटरेक्ट करेगा। फिर ग्यारहवीं चीज जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी ने कमाल का काम किया है। आपने द्रोण दीदी के बारे में सुना होगा कि कैसे लखपति द्रोण दीदी बने के भी हाल में मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीतापुर की एक महिला के बारे में बात की थी। तो कैसे द्रोण के माध्यम से आज बहुत सारा काम हो सकता है, ऐसा काम जो कि हम नहीं पहले कर पाते थे आज उसको कर रहे हैं।
12वा रोबोटिक्स, रोबोटिक्स ने तो कमाल कर दिया हर फील्ड में, आज चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, बहुत सारी हमारी सर्जरी जिनके बिल्कुल उसमें आदमी को कोई नुकसान नहीं होता है, कैसे रोबोटिक्स के माध्यम से, रोबोट हैंड के माध्यम से, या इतना सारा हमारा लॉजिस्टिक्स में या बहुत सारा माइनिंग में, इतने सारे फील्ड में रोबोटिक्स। तो ये जो 12 कॉन्सेप्ट मैंने सिवनाडर फाउंडेशन को दिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बैंक सिन्हा जी को और रॉबिन जी को और उनकी टीम को, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने कंचन जी से, कितना बढ़िया इन्होंने इसको हाई डेफिनेशन को, इसको हम सारे स्कूलों में ले जा सकते हैं। मैंने इसका शुरुआत, इसके बारे में मेरे मन में विचार आया कि हमारे गांव के बच्चों से, जब मैं पिछले बार गांव के इस कॉलेज में गया था, कई सारे प्रश्न मैंने पूछे थे बच्चों से जनरल नॉलेज के, और बच्चों को उसकी जानकारी नहीं थी। एक बार मन में मुझे बुरा भी लगा था कि बच्चों को जानकारी क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो मुझे तो सारी जानकारी थी, लेकिन मैं बहुत सारा अलग से ही पढ़ा करता था। तो मन में एक बात आई कि कैसे हम बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं, उसका एक साधन मैंने ये 12 जो कंप्यूटर का क्षेत्र है या हमारा नई टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, इसके बारे में पोस्ट बनाया। और मैं सारे बच्चों से, मैं विजय शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि आपको ये सुविधा तो दे दी गई है, वो सजाने के लिए नहीं दी गई है, बच्चे जाए और बच्चों को टीचर समझाए दिखाए, और बच्चे के मन में वो उत्सुकता जगती है, अपने आप वो बच्चा खुद सीखेगा, और फिर किसी भी ग्राउंड पे कहीं भी अगर कोई कहता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो उसको वो अनजाना नहीं नजर आएगा, वो अपने आप को छोटा महसूस नहीं करेगा, बल्कि समझेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट इतनी उत्सुकता होगी कि जो आपको 15 कंप्यूटर दिए गए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो बिटिया हमें बोली, जो अनु 9th क्लास की बिटिया थी, उसने बताया कि कंप्यूटर पे जाकर के उसने कुछ सीखने की कोशिश की। तो जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पोस्टर देखोगे और उसके बाद आप जाकर के कंप्यूटर पे इंटरनेट पे आप उसको गूगल करोगे कि क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो बहुत कुछ चीज सीखने को मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज हमारे जो है इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ, और उस नॉलेज को सीख करके आप अपने से नोट बनाओगे, आगे के लिए सीखोगे, और वो आपको आने वाले समय में काम आएगा। तो देखो कि कैसे इस पोस्टर से आपके मन में, और ये उत्सुकता जगाने का काम, क्योंकि जो हमारे जो हमारा जो सनातन में जो पुराने हमारे ऋषि और संत होते थे, जो हमारे गुरुकुल आश्रम था, गुरुकुल आश्रम में लोगों को पढ़ा करके घोटाया नहीं जाता था, तो बाद में जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था जब चौपट हो गई, जब शिक्षा व्यवस्था का हमने पूरी अपनी जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत शिक्षा की थी, जब उस व्यवस्था को पूरा उसका नुकसान हो गया, तब हम लोग जो मैंने रटना चालू कर दिए, नहीं तो हमारे जो ऋषि जो थे, हमारे जो गुरुकुल के संत थे, वो लोगों को उनके मन के अंदर जिज्ञासा भरते थे, ताकि स्वतः चाहे भगवान राम रहे हो, चाहे भगवान कृष्ण रहे हो, चाहे जो भी मैंने लोगों ने जो पहले अध्ययन किया, तमाम सारे किसी भी ऋषि के बारे में, ऋषि वशिष्ठ के बारे में जो गुरु थे हमारे, ये रकुल के गुरु थे, या विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र के बारे में, संदीपनी ऋषि के बारे में, आप देखेंगे वो लोगों के मन में जिज्ञासा भरते थे, वो स्वतः शिक्षा के बारे में वो जाते थे, जाकर के अनुभव करते थे। एक बार दोबारा हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हमारे अध्यापक लोगों को वहां पर जानकारी होगी, कुछ बच्चों को भी जानकारी होगी, और नहीं जानकारी है तो आप जाकर के कंप्यूटर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़िए, थोड़ा सा समझिए कि क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एक बार दोबारा हमारे देश की जो गुरुकुल परंपरा की जो हमारी जो शक्तियां थी, जो हमारी ताकत थी देश के बारे में, जो हमारे हम जो एक डिबेट करते थे, हम बहुत सारा जो आपस में संवाद करते थे, वो व्यवस्था फिर से एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से वापस आ रही है। इससे हमारे देश के जो लोग, जो हम लोग एक रट्टू तोता की बात करते हैं कि रट लिया, रट के जाकर गल दिया, उसकी जगह आप उसका एनालिटिकल माइंड बनेगा, उसकी थिंकिंग माइंड बनेगा, और वो इन बच्चों में होगी। आपने बड़ा अच्छा कहा, मैंने मुझे बड़ा बढ़िया लगा जो जब प्रवीण जी ने कहा कि यहाँ पे बच्चों में बहुत सारा है ज्ञान है, उस ज्ञान को सही तरीके से उसको उजागर करने की जरूरत है, उजागर करने के लिए ये कंप्यूटर जो है आपको मदद करेगा। ये हमारा जो जो स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, स्मार्ट क्लास के बारे में मैंने बात की, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही कक्षा 6 से 12 का पूरा सिलेबस, जैसा कि मुझे अजीत जी ने बताया कि वो सारा सारा सिलेबस लेकर के उन्होंने कॉलेज को उपलब्ध करा दिया। फिर मैंने बात की खान एकेडमी से, ये खान एकेडमी से हमारी मुलाकात बहुत सारी एक्सपेंसी होती है, उनसे मैंने निवेदन किया अभी थोड़ा मैं बात कर रहा हूं, बात कम ठीक है। खान एकेडमी के जो हेड है
गवर्नमेंट पार्टनरशिप के बाद पूरी कंट्री हेड स्वाति जी आई थी, स्वाति वासुदेवन जी, वो पूरे खान अकेडमी की जो है सीज द कंट्री हेड, पूरे देश भर को हेड करती है। और ये क्योंकि खान अकेडमी जो है पूरे दुनिया भर में काम कर रही है। मिस्टर खान के बारे में उन्हें जानकारी दी, उनकी पुस्तक उनके जो उसको मुझे दिया, उसको पढ़ करके इतना अच्छा लगा कि किसी ने पूरे दुनिया में बच्चों को ज्ञान बढ़ाने के बारे में सोचा और इतने बड़े स्तर पर रिसर्च करके काम कर रहे हैं। शुभ्रा मित्तल जी जो कि जो हेड करती है गवर्नमेंट पार्टनरशिप बारे, इन्हों से मेरी बात हुई और इन्होंने मुझे कहा कि हमारे विद्यालय को, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, विद्यालय को वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उन्होंने वो आइकॉन दे दिया और वो ऑटोमेटिक जो भी नई नई चीजें होंगी वो नई नई चीजें जुड़ती चली जाएगी। यानी हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जो गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, इन बच्चों को सब कुछ मिलेगा, सारे की सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर 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 किसी को, कई बार आपने सुना होगा, एक कहानी सुनी होगी कि कोई सोने के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है और भिखारी है। क्यों? कि उसको पता ही नहीं कि सोने के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है। तो अगर आपको इतनी सारी सुविधा मिल जाएगी और इस सुविधा का अगर आप प्रयोग नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? आपको कुछ ज्ञान नहीं बढ़ेगा। अगर स्मार्ट क्लास में आपको सारी शिक्षा की व्यवस्था है तो मैं विजय शुक्ला जी से चाहूंगा, और मैं विजय शुक्ला जी से बताता हूं, बताना चाहूंगा कि मैं जून के पहले आऊंगा आपको स्कूल में, आऊंगा मैं खुद आकर के देखूंगा कि कितना प्रयोग आप लोग कर रहे हैं इसको। आपके इस जो, चाहे वो कंप्यूटर की सुविधा मिली हो, चाहे आपको जो ये स्मार्ट क्लास के बारे में खान अकेडमी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जो चीज मिली हो, या आपको जो ये तमाम सारे पोस्टर्स के माध्यम से बच्चों में उस जिज्ञासा को, मैं उन संतों वाली जो भाषा की उनकी जिज्ञासा जगाना चाहता हूँ। एक बार जिज्ञासा जग गई तो फिर तो वो अपने आप अनंत हो गए, फिर तो सीखने का एक बार मन में चाहत आ गई तो फिर सीखने के बारे में कोई अंत नहीं है, फिर तो आप बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, फिर आपके लिए कोई भी सीमा नहीं होती। तो ये आपको जब ये इतना बड़ा सारा का सारा चीज मिल गया तो उसका लाभ तो तब मिलेगा जबकि आप उसका उपयोग करोगे। अगर आप उपयोग ही नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको सुविधा तो मिल गई, और सुविधा को दिलाने में जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो इतना सारा मदद किया है, जो हमारे शिवनाडर फाउंडेशन ने मदद किया है, खान अकेडमी ने मदद किया है, और सबसे बड़ी बात वहां के हमारे कलेक्टर साहब और वहां के सीडीओ साहब, मैं वहां के प्रसाद नागर साहब जो कि मौजूद है वहां क्लास में, मुझे बताया गया कि मौजूद है प्रसाद नागर साहब और उनकी टीम पूरी डीआईओस और लोगों ने जो मदद किया है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे सबके सहयोग से, और ये मैं अपेक्षा करूंगा कि ये एक विद्यालय में शुरू हुआ, इसी प्रकार का हमारे जो जो ये हमारा एक राज्य सरकार का कार्यक्रम है मिशन अलंकार, मिशन अलंकार के जैसे कि हमारा एक जो मिशन कायाकल्प था, तो मिशन कायाकल्प के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के सारे प्राइमरी स्कूलों में बिल्कुल कायाकल्प हो गया, बिल्कुल कायाकल्प हो गया। आज प्राइमरी स्कूल, जैसे जब मैं पढ़ा करता था गांव में, अपने गांव में, तो पेड़ के नीचे पढ़ते थे, बाद में मैंने देखा वहां क्लासरूम तो बन गए लेकिन क्लासरूम में कोई आता नहीं था। लेकिन आज हर गांव के हमारे प्राइमरी स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए बेंच भी है, उनके लिए डेस्क भी है, उनके क्लासरूम में सारी इस प्रकार की पेंटिंग है, स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी है, सारा का सारा पूरा स्कूल एजुकेशन निपुण के माध्यम से बहुत सारा उनको जो एक्सपेरिमेंट करके सीखने की बात होती है। बड़ा अच्छा लगा ये जो मुझे, जब मैंने बात की खुशबू गुप्ता से, तो खुशबू गुप्ता ने जो बात की, खुशबू गुप्ता क्लास 10 की बच्ची है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उसने बड़ा अच्छा बात कहा कि जो है, जब उसने देखा भूगोल की पढ़ाई कर रही थी और उसमें वो नक्शा जो भारत के नक्शे में नदियों को और पहाड़ों को देख रही थी, तो उसमें उसको सारा का सारा चीज एक बार आभास हो रहा, वो बोल भी रहा था, वो चित्र भी वहां पे था। तो मैंने ऑडियो भी है, विजुअल भी है, और साथ ही साथ आपको अगर वहां पे कुछ लिख करके मास्टर साहब बताना चाहे तो स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे आप लिख के भी बता सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड इज स्मार्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। और सबसे अच्छी बात है कि उसने जो बात मुझे कही, एक बताया किसी ने कि ये स्मार्ट प्लस है, मैंने आने वाले समय स्मार्ट नहीं बल्कि स्मार्ट प्लस, स्मार्ट प्लस का मतलब ये हुआ कि आप बोल के ही कहेंगे कि अब नक्शा में जो ये तो हमारा भौगोलिक नक्शा हो गया, अब हमें राजनीतिक नक्शा चाहिए, हमें राजधानियां देखनी कि कहां कहां की कौन कौन सी राजधानियां, तो वो तुरंत उसको बदल करके राजधानी उसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, कोई सीधे सीधे आप बोलेंगे और उसको समझ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो कन्वर्ट कर देंगे।
ये एक बड़ी बहुत बड़ी स्मार्ट केयर नहीं बल्कि स्मार्ट प्लस फैसिलिटी आपके होने जा रही है। इसी प्रकार से जो जैसे कि आप एक एग्जांपल दे रहे थे केमिस्ट्री के संजीव जी जब बात कर रहे थे तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, कितने अच्छे से समझा रहे थे कैसे कोई जो कॉम्बिनेशन कैसे होता है और कैसे केमिकल रिएक्शन होता है उसके बारे में समझा रहे। ये बड़ा आसान एक बार बच्चों के दिमाग में बैठ जाए तो बच्चे फिर जब वो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देंगे या बाद में आने वाले समय में वो आप जो भी सोचेंगे जो भी करना चाहेंगे वहां आप पहुंचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से सुसज्जित कर लें। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये सारी सुविधा मिली है उस सुविधा का लाभ अगर आप लेंगे तब तो फिर सुविधा बनाने का कोई फायदा है। आपके स्कूल में इंटरमीडिएट कॉलेज में जो मैंने कहा कि मिशन अलंकार के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं पूरे प्रदेश के सारे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और कंचन जी इसको लीड करती हैं, इसके माध्यम से हमारे और भी अधिक से अधिक हमारे जितने इंटर कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में जो कि अलग अलग प्रकार से जो चाहे हमारे माननीय विधायक गण हैं माननीय सांसद गण हैं वो अपनी निधि से देते हैं उसके ऊपर एडिशन करके कोई CSR के माध्यम से कोई फॉर्मर बच्चों के माध्यम से जैसे कि मैं इस कॉलेज का बच्चा का पुराना विद्यार्थी हूं तो मैंने उनको मदद की हमारे स्कूल को मदद की ऐसे कोई फॉर्मर विद्यार्थी और बहुत सारे लोग हैं हमारे इस इंटर कॉलेज से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो इस कॉलेज में तो हमें आशीर्वाद मिला है पंडित कन्हैयालाल मिश्र जी का जो हमारे प्रदेश के यही नहीं बल्कि जब मैं बड़े गर्व के साथ अगर कहीं उनका नाम लेता हूं तो हमारे देश के जितने भी अधिवक्ता हैं हर एक अधिवक्ता उनको एक अपना आदर्श मानता है और उनके ही मैंने आशीर्वाद से 1947 में ये स्कूल ये कॉलेज हमारा गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज मारूपुर चालू हुआ था। मैं समझता हूँ कि वो जहां कहीं भी होंगे उन्हें बड़ी खुशी हो रही होगी कि जिस चीज की नींव उन्होंने रखी थी आज इतने सालों के बाद वहां पे स्मार्ट क्लास आ रहा है और आगे आने वाले समय में और क्या क्या चीजें और भी आएगी। तो मैं बच्चों में वहां के विद्यालय के सारे बच्चों को मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि एस्पायर करो हाई एस्पायर करो चाहे खेल के मैदान में तो सोचो अपने आप को कितना बढ़िया खिलाड़ी बना सकते हो, अगर आप पढ़ाई के बारे में सोचो तो पढ़ाई में कितने अच्छे कर सकते हो चाहे प्रशासन में आओ पुलिस में आओ मिलिट्री में जाओ जहां भी जाओ आप राजनीति में जाओ जहां भी जिस किसी क्षेत्र में जाना हो रचना की जो क्षेत्र में जाओ जिस किसी क्षेत्र में जाओ वहां पे अच्छा से अच्छा करो और वो करने के लिए तुम्हें साधन मिलना है उस साधन का भरपूर प्रयोग करो। मैं आपके हमारे जो पूरा विद्यालय परिवार जो कि सीधा यहां से जुड़ा है या हमारे विद्यालय के बहुत सारे लोग जो वहां से पढ़े हैं और उन्होंने उत्सुकता भर अभी आज इस समय जैसे हमारे भोपाल से जो है जुड़े हुए हैं शिलांग से जुड़े हुए हैं दिल्ली से जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं बनारस से जुड़े बहुत सारे लोग जो हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं जिनको जो जानकारी थी कि ऐसा कुछ होने वाला वो देख करके यहाँ लखनऊ से भी मुझे जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं और ये ताकत है डिजिटल की। तो उस डिजिटल की ताकत में तुम अपने आप को जो आज माँ दुर्गा माँ जो शक्ति की स्वरूप है अपने आप को ऐसे शक्तिमान बनाओ। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी शुभकामनाओं के साथ इस बात को समाप्त करता हूँ और जिन जिन लोगों ने इस कॉलेज के लिए सहयोग दिया उन सबको अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।